नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। सिनेमा हॉल्स में फिल्म देखकर हम कभी प्रेरित होते हैं तो कभी रोमांचित, लेकिन आप जानते हैं कि फिल्म में काम करने वाले कलाकारों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आइए आपको मिलवाते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋषिता भट्ट से, जो हमें बता रही हैं कि बॉलीवुड में सिक्का उन्हीं का चलता है जो प्रतिभा के धनी होते हैं। सुर, लय और ताल से जुगलबंदी करते कदमों की थिरकन, आधुनिक डांस और पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य का फ्यूजन, तस्वीरें हैं अपने समय की चर्चित फिल्म किसना की और नृत्यांगना की भूमिका में ऋषिता भट्ट। ऊपर वाले ने गजब की खूबसूरती बख्शी तो ऋषिता के चुलबुलेपन ने फिल्म डायरेक्टर्स को आकर्षित कर लिया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर 2001 में सामने आई फिल्म अशोका। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ एक्टिंग करने का सपना पूरा हुआ और दर्शकों में ऋषिता ने अलग पहचान बना ली। बहुत छोटी उम्र में मैंने शुरू किया, मैं 18 साल की थी जब मैंने अशोका शुरुआत मेरी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। आई थिंक अभी भी बहुत सारे काम हैं, कर रही हूँ और करती रहूँगी। अब मिस्टर बच्चन ने कुछ इतना कर दिया है तो उन्होंने हम सब एक्टर्स के लिए इतना कुछ छोड़ दिया है। एंड आई सी मिस्टर बच्चन बिकॉज आज भी वो वैसे ही कैरिज्मा के साथ और एंथुजियाज्म के साथ काम कर रहे हैं, तो आई थिंक हम लोग तो बहुत ही जस्ट बिगिनर्स हैं। हाल ही में आई ऋषिता की फिल्म मिस टनकपुर हाजिर हो भले ही बड़े पर्दे पर धमाल न मचा सकी हो, लेकिन उनकी एक्टिंग ने सुर्खियां बटोर ली। आज 34 बरस की हो चुकी ऋषिता मुंबई में पली बढ़ी और लंदन के मशहूर ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़ाई की। आज ऋषिता की गिनती उन टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में होती है जो कमर्शियली भले ही बहुत सफल न हो पाई हों, लेकिन उनकी चर्चा जरूर है। एक जमाना था जब ऋषिता एक्टिंग को करियर के तौर पर नहीं देखती थी, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही मॉडलिंग के कुछ विज्ञापन मिलने से ऋषिता का रुझान फिल्मों की ओर होने लगा। ये और बात है कि 12वीं की पढ़ाई तक उनका सपना कुछ और ही था। मैं पायलट आर्किटेक्चर करना चाह रही थी और मैंने वो सब्जेक्ट्स भी लेने मतलब शुरू कर दिए थे व्हेन यू आर इन कॉलेज। बॉम्बे में 11th एंड 12th इज इन कॉलेज, नॉट इन स्कूल। तो देन मॉडलिंग से मुझे फिल्म आने लगी। एक साल के लिए मैंने फिल्मों को मना कर दिया बिकॉज मुझे लगा ये करियर नहीं हो सकता। एंड उसके बाद जब मुझे लगा कि ओके, आई थिंक डेस्टिनी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऋषिता ने विज्ञापनों से लेकर अशोका तक और फिर हासिल से लेकर मिस टनकपुर तक लगभग 40 फिल्में की। कभी उन्हें आइटम गर्ल भी बताया गया, लेकिन ऋषिता ने मराठी फिल्म मणि मंगलसूत्र में गंभीर अभिनय से आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। वो खुद कहती हैं कि वो बंद कर नहीं रह सकती। मेरे पास ऑप्शंस बहुत थे विद द ग्रेस ऑफ गॉड। जब कोई भी करियर मुझे चुनने, मैंने जब सोचा मैं क्या चुनूंगी, मैं क्या करूंगी, जब यू नो वो सवाल तो हर एक के दिमाग में होता है। सम पीपल आर लकी टू चूज, सम पीपल आर नॉट। बट डांस एक ऑप्शन था, पर मुझे वो कभी, जैसे मैंने कहा, एक्टिंग डांस ये सब मेरी हॉबीज थी, मुझे कभी उनको परस्यू करना नहीं था। और मैंने म्यूजिक भी ट्रेनिंग ली है, तो ऐसा नहीं था कि इन चीज़ों से मुझे अपना करियर बनाना, ये कभी मेरे जहन में नहीं था। हालांकि ऋषिता को ब्रेक के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, लेकिन ऋषिता के जीवन में कामयाबी और नाकामी के कई दौर आए जिन्होंने ऋषिता को और मजबूत किया। मैं हमेशा से चाहती थी कि इस इंडस्ट्री में बहुत एक्ट्रेसेस को मैं लुकअप करती हूँ, बट अगर मुझे कुछ अलग करना है या एक अलग टाइप का मुकाम बनाना है तो मैं अलग फिल्में ही करूँगी। और कमर्शियल फिल्म्स भी मैंने की है बहुत सारी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं जानती थी कि मैं जानी जाऊँगी तो कुछ अलग फिल्मों के लिए। फिल्मी दुनिया में बतौर एक्टर शुरू हुआ ऋषिता का सफर आज निर्माता तक पहुँच चुका है। उन्हें उम्मीद है कि लगातार संघर्ष उन्हें सफलता के नए मुकाम तक जरूर पहुँचाएगा। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। छोटी सी उम्र में पढ़ाई करने के बाद विदेश में अपनी जगह बॉलीवुड में बनाना ऋषिता की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो वहीं कल आपको मिलवाएंगे देश की उस बेटी से जिसने ब्यूटी के क्षेत्र में गोल्डन गर्ल के नाम से अपनी जगह बनाई। ब्यूटी एक्सपर्ट भारती तनेजा से आप जरूर मिलिएगा कल के एपिसोड में। आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।